हाजत ही अब नहीं जिसे भेजूं खुदा के पास। के हाजत ही अब नहीं जिसे भेजूं खुदा के पास, मेरी गुजारिशें हैं सभी फातिमा के पास। हाजत ही खुदा के पास, मेरी गुजारिशें हैं सभी फातिमा के पास। और देखें हजरात, इल्मी मजमा मौजूद है कि मैं एक गुनाहगार भी मद्दाह भी तेरा, कि मैं एक गुनाहगार भी मद्दाह भी तेरा, लिखी हुई है मेरी जजा भी सजा के पास। मेरी जजा भी सजा के पास, लिखी हुई है मेरी जजा भी सजा के पास। और देखें हजरात, ये शेर भी समाप्त फरमाएं कि लिखी हुई है मेरी जजा भी सजा के पास। एक शेर समाप्त फरमाएं हजरात कि मुश्किल कुशा की शक्ल में जहरा की शक्ल में, कि मुश्किल कुशा की शक्ल में जहरा की शक्ल में, क्या दौलत सुकून है दिले मुस्तफ़ा के पास। क्या दौलत सुकून है दिले मुस्तफ़ा के पास। और हजरात ये शेर भी समाप्त फरमाएं, देखें हजरात कि कितनी फजीलतों का है मरकज बनी हुई, कि कितनी फजीलतों का है मरकज बनी हुई, पेवंददार एक रिदा फातिमा के पास। फातिमा के पास पेवंददार एक रिदा फातिमा के पास। वो एक सलवात भेजिए आप हजरात बहुत जल्दी जल्दी। ये भी शेर समात फरमाएं, शेर मुत्तफ़िक़ हूँ तो मुस्कुरा दीजिएगा। समात फरमाएं कि ये अगर कौले इमामत है इताद कीजिए। सुने नाज़िम मोहतरम, बहुत संगीन वक्त है और बहुत तेज़ी के साथ मैं अपनी मंजिल की तरफ आ रहा हूँ कि ये अगर कौले इमामत है इताद कीजिए, मुनकरे जहरा से वरना क्यों मोहब्बत कीजिए। ये अगर कौले इमामत है इताद कीजिए, मुनकरे जहरा से वरना क्यों मोहब्बत कीजिए। और शेर समात फरमाए कि फातिमा के मुनकरों से साफ है अपना खिताब, कि फातिमा के मुनकरों से साफ है अपना खिताब, आप हमसे आपसे हम खूब नफरत कीजिए। शेर समात फरमाएं, शेर समात फरमाएं हजरात के सैयदा का जश्न है बातिल पहूंगी लानतें, के सैयदा का जश्न है बातिल पहूंगी लानतें, दिल अगर कमजोर हो महफिल से हिजरत कीजिए। महफिल से हिजरत कीजिए। और देखें हजरात ये आखिरी शेर सिलसिले का आखिरी शेर के सज गए जब दोनों आलम रब ने जहरा से कहा। समाप्त फरमाएं आखिरी आदमी तक के सज गए जब दोनों आलम रब ने जहरा से कहा, शाहजादी जाइए जाके हुकूमत कीजिए।
जाकर हुकूमत के सज गए जब दोनों आलम ने जहरा से कहा शाहजादी जाइए जाकर हुकूमत कीजिए। देखें हजरत मतला समाज फरमाएं कि काश मेरी तकदीर में या रब इतना भी होता। अब ये अगर यहाँ के ऊपर सैयदा का जश्न है, कातिल पाहूंगी बातिल पाहूंगी लानत कातिल पाहूंगी लानतें, दिल अगर कमज़ोर है महफिल से हिजरत कीजिए। और देखें अगर यहाँ पर ये शबरोज़ होते तो उनको मैं ख़ास तौर से मुखातिब करके ये मतलब होता। समाज फरमाएं कि काश मेरी तकदीर में या रब इतना भी होता। समाज फरमाएं कि काश मेरी तकदीर में या रब इतना भी होता, लफ्ज़ दिए हैं सोच रहा हूँ लहजा भी होता, इसमें मैं शेर पेश करूंगा, दो तीन शेर पेश करूंगा इसमें समाज फरमाएं कि लफ्ज दिए हैं सोच रहा हूं लहजा भी होता। देखें फिर देखें हजरात इत्तेहा कि काश मेरी तकदीर में या रब इतना भी होता, लफ्ज दिए हैं सोच रहा हूं लहजा भी होता। देखें हजरात इत्तेहाद का मैं भी कायल हूं लेकिन इत्तेहाद मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि हक और बातिल में कभी इत्तेहाद नहीं हो सकता। शेर समात फरमाएं हजरात, शेर समात फरमाएं कि जश्न अली है गुल भी हैं पत्ते भी हैं मौजूद। समात फरमाएं कि जश्न अली है गुल भी हैं पत्ते भी हैं मौजूद, जिक्र हक है ये क्या जिद है कांटा भी होता। देखें हजरात शेर समात फरमाएं कि इश्क़ अली हमराह था अपने सफ़र रहा बिल खैर, कि इश्क़ अली हमराह था मेरे सफ़र रहा बिल खैर, साथ अगर ये दुनिया होती धोखा भी होता। के साथ अगर ये दुनिया होती, शेर समात फरमाएं हजरात के सिर्फ अली कह देने से कुछ बात नहीं बनती। के सिर्फ अली कह देने से कुछ बात नहीं बनती, जिसका नाम लिया है उसको माना भी होता। और देखें हजरात के शेर समात फरमाएं, शेर समात फरमाएं हजरात के बुग़्ज़े अली में तुम उसका भी कर देते इनकार। आखिरी आदमी तक के बुग़्ज़े अली में तुम उसका भी कर देते इनकार, गर तुमने रब्बे काबा को देखा भी होता। रब्बे काबा को देखा भी होता कि अगर तुमने रब्बे काबा को देखा भी होता। और एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हजरात ये भी समात फरमाएं कि कहाँ हम जैसे इंसानों के इन जहनों में रखा है। समात फरमाएं बहुत तेज़ी के साथ चार शेर ये तीन शेर और उसके बाद नायाब साहब आपके सामने कि कहाँ हम जैसे इंसानों के इन जहनों में रखा है, अली का राज रब ने सैकड़ों पर्दों में रखा है। कि अली का राज रब ने सैकड़ों पर्दों में रखा है। और देखें हजरात शेर समात फरमाएं तल्ख सच्चाई है कि कसीदे हैं अली के
हाँ उसी कुरान के अंदर के कसीदे हैं अली के, हाँ उसी कुरान के अंदर उठाकर हमने जिस कुरान को ताकों में रखा है, जिस कुरान को ताकों में रखा है, और समाज फरमाए कि उठाकर हमने जिस कुरान को ताकों में रखा है, और जहां हर दो कदम पर एक अली वाला नजर आए, कि जहां हर दो कदम पर एक अली वाला नजर आए, मजा इस जिंदगी का सिर्फ उन शहरों में रखा है, मजा इस जिंदगी का सिर्फ उन शहरों में रखा है। और देखें हजरात आखिरी कलाम एक मतला तीन शेर और उसके बाद इजाजत के वही अश्के अज़ा देखे। देखें हजरात इसमें सिर्फ एक शेर पेश करना है और इंशाल्लाह आप लोगों को याद रहेगा, और ये नया शेर है और जलालपुर की अंजुमन को कलाम दिया मैंने अपनी, हालांकि लॉकडाउन में भी उन लोगों ने बाकायदा वहाँ पर आज़ादारी की। समात फरमाएं तो उसी में एक शेर था, इंशाल्लाह आप सब लोग बहुत खुश होंगे कि वही अश्के अज़ा देखे वही जोशे अज़ा देखे, कि वही अश्के अज़ा देखे वही जोशे अज़ा देखे, गुजरती जाए सदियां और दुनिया मौजज़ा देखे, मौजज़ा देखे। हजरत शेर समात फरमाए कि गमे शब्बीर ने कितना बदल कर रख दिया हमको, कि गमे शब्बीर ने कितना बदल कर रख दिया हमको, कि जब हम आईना देखें तो हमको आईना देखे, का हुक्म है मतलब फिर समाप्त फरमाए कि वही अश्के अज़ाद देखे वही जोशे अज़ाद देखे, वही अश्के अज़ाद देखे वही जोशे अज़ाद देखे, गुजरती जाए सदियां और दुनिया मौजज़ा देखे, और गमे शब्बीर ने कितना बदल कर रख दिया हमको, कि जब हम आईना देखें तो हमको आईना देखे, कि जब हम ना देखे। और देखें हजरात के कदो कामत वफादारी वो उसकी तेज रफ्तारी, के कदो कामत वफादारी वो उसकी तेज रफ्तारी, चले अब्बास का रहवार तो रुक कर हवा देखे, चले अब्बास का रहवार तो रुक कर हवा देखे। और देखें हजरात ये
खाक के पुतले हम सब लोग समझे आप गुनाहों का एक मुजस्मा है, लेकिन फिर भी हम लोगों की बख्शिश होगी और उसका दावा ये शेर करेगा, हम लोगों की बख्शिश होगी। शेर समाप्त फरमाएं कि खताओं को हमारी सुने हजरात, याद रखेंगे इंशाल्लाह शहजादी की अता है कि खताओं को हमारी दरगुजर करना ही पड़ता है। आखिरी आदमी कि खताओं को हमारी दरगुजर करना ही पड़ता है और खुदा हम लोगों को देखे कि जहरा की दुआ दे। देखे खताओं को हमारी दरगुजर करना ही पड़ता है और खुदा हम लोगों को देखे कि जहरा की दुआ देखे। एक सलवात भेजे, एक सलवात भेजे। बहुत अच्छा हुआ कि आपने पूरा मतला लिख दिया, वरना इसका मतलब ही मुझे याद ना आता। बहरहाल वो शेर मुझे याद है, तीन चार पेश कर रहा हूँ समाप्त करना है कि अंधेरा कब्र का नाहक हमारे दिल डराएगा, कि अंधेरा कब्र का नाहक हमारे दिल डराएगा, हमारे साथ इश्क़े हैदर करार जाएगा, हमारे साथ इश्क़े हैदर करार जाएगा। और हजरात शेर समाप्त फरमाइए, एक मशवरा है आप लोगों को कि मुनाफिक से अली की ज़ात पर क्यों गुफ्तगू कीजिए, के मुनाफिक से अली की जात पर क्यों गुफ्तगू कीजिए, समझ में कुछ नहीं आएगा खाली सहलाए। होता क्या है शहजादी के दरबार के सामने कह रहा हूँ, असल में मैं कोई तैयारी नहीं करता, रजब और माह शाबान का इंतज़ार भी नहीं करता। आप समझ रहे हैं, जब महफिलें आती हैं, वादे आते हैं, सफ़र पर निकल लेता हूँ, शहजादी मदद फरमाती है, कलाम बहुत है लेकिन साथ लेके कुछ नहीं चलता हूँ, ज़्यादातर डायरी सादी होती है। बहरहाल मैं याद कर रहा हूँ कि मुनाफिक से अली की ज़ात पर क्यों गुफ्तगू कीजिए, समझ में कुछ नहीं आएगा खाली सर हिलाएगा। देखें हजरात शेर याद आ गया, समात फरमाएं कि कज़ा का जायका कासिम बता कर हो गए रुखसत, समात कि कज़ा का जायका कासिम बता कर हो गए रुखसत, अब असगर मुस्कुरा कर प्यास की लज्जत बताए। लज्जत बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी और याद नहीं, शुक्रिया।